जी साबिक कप्तान इंतमामुल हक और मौजूदा चीफ सेलेक्टर इंतमामुल हक आज अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया था कि वो 12:15 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया PCB पहुंची और वो एशिया कप के जो इंतजाम के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग कर रही, इस वजह से इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौखर किया गया है। और अगर बात करें तो आज के स्क्वाड में जो अनाउंसमेंट होने जा रही है, ज़राए के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों के नाम हमें बताए गए हैं और उनमें सबसे पहले बात की जाए तो पाकिस्तानी स्क्वाड में बाबर आजम उसी तरह कप्तान होंगे, फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, आगा सलमान और उसामा मीर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो मोहम्मद वसीम जूनियर और इस तरह शान मसूद का भी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। साथ ही बात करें तो कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि जमान खान को भी कंसिडरेशन में शामिल किया गया है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। तो आज बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इंतमामुल हक शाम के औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्क्वाड का अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें जमान खान की शमूलियत का इम्कान भी जाहिर हो रहा है। एशिया कप के हवाले से और अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए ये आज अनाउंसमेंट होनी है, सबको इंतज़ार है, लेकिन शाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए DN स्पोर्ट्स।